एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती होता है जिसे दिल का दौरा आ चुका होता है और उसकी पत्नी मैके होती है, उसे सूचना मिलती है। दोस्तों जब उसे सूचना मिलती है तो फौरन घबरा जाती है, अपने परिवार वालों से कहती है कि मेरे पति को दिल का दौरा आ चुका है। घर वाले कहते हैं कौन पति, कैसा पति, लेकिन जो लड़की होती है इसका पति जो होता है इसकी 5 बरस पहले तलाक हो चुका होता है, लेकिन वो ये कहती है कि जो मेरे पति थे वही मेरे पति आज भी हैं और रहेंगे भी, आप लोगों ने जो करवाया वो ठीक करवाया। वो फौरन नहीं मानती है किसी की और पति से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए लड़की बढ़ जाती है। तलाकशुदा पत्नी अपने पति से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है, फिर उनकी जिंदगी में नया मोड़ कैसे आता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी अंत तक सुने। 10 मिनट लेंगे क्योंकि ये कहानी पारिवारिक है। ऐसी कहानी सुनने से हो सकता है कि डिवोर्स लोग ले रहे हैं समझ में आ जाए कहानी को सुनकर के, डिवोर्स ना लें क्योंकि घर बर्बाद हो जाता है। जब तक समझ आती है तब तक जिंदगी काफी दूर निकल जाती है, लोग दूर निकल जाते हैं, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है, सत्य घटना है, ये गाजियाबाद की कहानी है। आइए हम आपको सुना रहे हैं इस कहानी को। ये गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं, विनय चौधरी होते हैं, इनकी पत्नी का नाम होता है पूजा चौधरी। विनय चौधरी तो गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं और पूजा चौधरी होती है ये पटना की रहने वाली होती हैं। इन लोगों में बड़ी इंतहा प्रेम था, मोहब्बत थी, इनका विवाह हुआ, इनकी शादी हुई थी 2012 में। कहानी ने कैसे करवट बदला तो पूरी जानकारी दे रहे हैं। 2012 में शादी हुई होती है, इसके बाद में ये 5 साल तक एक ही जगह रहते हैं, सब लोग ठीक ठाक से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन धीरे 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 इनमें अनबन होने लगी। 5 साल बाद अनबन हुआ तो ये लोग कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में दोनों लोगों ने कागज डाल दिए, कागज डालने के बाद 2018 में डिवोर्स हो गया, अलग अलग रहने लगे। गाजियाबाद के रहने वाले विनय चौधरी अपने घर पर रहते हैं और पटना की रहने वाली पूजा चौधरी अपने यहां रहती है। 2012 में शादी होती है लोगों की। लेकिन दोस्तों समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, अपने अपने रह रहे थे दोनों लोग, अपनी अपनी मरमर्जी से रह रहे थे। इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो विनय चौधरी को हार्ट अटैक पड़ गया। जब हार्ट अटैक आया, सर्जरी होने को थी, तो पूजा को यह खबर मिली, पूजा को यह खबर मिली कि मेरे पति का दिल का दौरा आ चुका है, तो वो एकदम घबरा गई। लेकिन कहते हैं कि समय नजदीक आता है तो अपने आप ही दूरियां खत्म हो जाती हैं और एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। दोस्तों वही काम हुआ जो पूजा चौधरी थी, भागी भागी चली आई अपने पति को देखने के लिए। 2023 में इन्हें हार्ट अटैक पड़ा, आकर के जहां उनके पति बेड पर लेटे हुए थे वहीं पहुंच जाती है। 10-11 साल हो जाते हैं इन लोगों को, अलग होते हुए भी अलग रहते हुए भी पहुंच जाती हैं, पास में बैठती हैं, पति को देखती हैं, पति इन्हें देखते हैं, विनय चौधरी इन्हें देखते हैं, पूजा चौधरी उन्हें देखती हैं। तो एक दूसरे को देखने के बाद इन लोगों की आंखों में आंसू से आ जाते हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन पूजा चौधरी जाकर के पूछती है आप कैसे हैं, ठीक हैं। विनय चौधरी कहते हैं कि आपकी ही कृपा से आज जिंदगी पाई है, आपकी ही प्रेरणा है, आपकी ही देन है, आपका ही कुछ किया कराया है, भगवान से विनती है जो कि आपने ही मेरे लिए किया था, आज मेरी जिंदगी बरकरार है। तो पूजा के भी आंसू निकल आते हैं और वो भाव विभोर हो जाते हैं। इसके बाद में एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी बात के पीछे हम और आप में अनबन हुआ, लेकिन विनय चौधरी कहते हैं कि तुम्हारे लिए तब भी उतनी ही मेरे दिल में जगह थी और आज भी मेरे दिल में उतनी ही जगह है जो पहले थी, ऐसा नहीं है कि आज अलग है और पहले अलग था। पूजा चौधरी कहती है कि जो तुम्हारे दिल में जगह थी वही जगह मेरे दिल में थी, जो आज मैं तुम्हारी ये खबर मिलते, तुम्हारी खबर सुनते मुझसे रुका नहीं गया, मैं भागी चली आई।
और काश जो भी हुआ, बहुत सारी उन लोगों में बातें हुई कि थोड़ी थोड़ी बात पर आप नाराज हो जाते थे और मेरी कोई बात नहीं मानते थे, आप हर बात पर अपनी ही चलाते थे, मैं सही कहती थी फिर भी आप अपनी चलाते थे, या कुछ मैंने आपका नुकसान किया हो आप ही हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। तो वही विनय चौधरी कहते हैं कि जाने अनजाने कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने अच्छे के लिए डांटा होगा तो मैं कभी मैंने आपको गलत नहीं डांटा होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीका से परख लेते हैं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को भांप लेते हैं, लेकिन उस मुलाकात होने से पूजा कहती है कि आप भगवान ने दोबारा जीवन दिया है तो हो सकता है कि जिंदगी हमारी और आपकी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ सकती है, आप अगर चाहेंगे तो हम और आप दोबारा साथ साथ रह सकते हैं। विनय चौधरी कहते हैं काश पूजा आप क्या कह रही हो, ऐसा हो सकता है मुमकिन है? बोले हाँ। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, अगर दोनों लोग सहमति करते हैं तो ये काम अधूरा नहीं रहेगा, ये कार्य पूरा होगा। इसी के चलते चलते जब वो विनय चौधरी स्वस्थ होते हैं अपने घर आते हैं, घर आने के बाद जो पूजा चौधरी होती है एक दूसरे को तालमेल फोन के द्वारा करते रहते हैं। उसके बाद में ये दोनों लोग मन बनाते हैं कि अब हम और आप साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, साथ ही रहेंगे, जो हुआ वो हो गया। इसके बाद में दोस्तों ये दोनों लोग फिर से शादी रचाते हैं, मंदिर में जाकर के हंसी खुशी से ये लोग दोबारा अपने जीवन जीने के लिए एक ब्राह्मण को बुला करके रीति रिवाज के द्वारा और दोबारा विवाह संपन्न होता है पूजा चौधरी और विनय चौधरी का, क्योंकि बहुत दिन तक इन लोगों ने ठोकरें खाई थी, लेकिन जब इन्हें सबक मिला, कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो वो भटका हुआ नहीं माना जाता। तो इन लोगों ने खुद ही किसी के बताने से नहीं, खुद ही अपने ही आप दोनों ने भटक करके इधर उधर ठोकरें खाकर अपने को महसूस किया कि पति पत्नी का बंधन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। आज वो दोनों लोग दोबारा नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ज्यादातर जो डिवोर्स चल रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के चल रहे हैं। कहते हैं कि जिसने सहना सीख लिया उसने रहना सीख लिया, क्योंकि सासरे में और मायके में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मायका एक होता है, मैंने वीडियो बनाया है, मायका एक होता है स्कूल होता है, सासरा एक ऑफिस होता है जहाँ प्रिंसिपल होता है, वो सजा दे सकता है। अगर इस चीज को आपने सहन कर लिया, अपने गुरु को समझ लिया, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और पति पत्नी का एक प्यार भरा जोड़ी होती है, अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है, ये गाड़ी रूपी पहिया होते हैं। इस कहानियां को, ऐसी दास्ता को, ऐसी बातों को सुना करके हमें आप लोगों को परेशान करना नहीं है, केवल सिर्फ जागरूक करना है। क्योंकि कोर्टों में देखो, चाहे वो सिविल कोर्ट में जाइए, चाहे हाई कोर्ट में जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तलाक के अलावा कुछ नहीं, लेकिन साइलेंस ही हो जाती है, लोग भटकते रहते हैं, ना ही तो उन्हें न्याय मिलता है और ना ही उन्हें न्याय मिलता है। दोनों लोग अपने डिवोर्स के पेपर हाथ में थामे आधी जिंदगी गुजार लेते हैं, कोई तो अपने आप ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई कोर्ट के द्वारा करते हैं और कोई चले जाते हैं, तो वो पछताते रहते हैं, उन्हें ठिकाना नहीं लगता है। तो इस कहानी को सुना करके आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही दास्ता, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।